शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। क्योंकि तू ही हो। मेरे कमरे में ये लॉकेट क्या कर रहा था? मुझ पे हल्की सी आंच क्या है? तुमने तो चंडी रूप धारण कर लिया। इतना प्यार करती हो मुझसे? इसलिए आइंदा से हमसे संभल कर रहना। एक बात बताऊं, तुम बहुत प्यारी हो। करण, करण, करण। दादी माँ, अब तो आप ठीक हैं? हाँ दादी माँ, बिल्कुल ठीक हूँ। हम ऐसा करते हैं, एक बार डॉक्टर को बुला ही लेते हैं, वो देख ले। अरे दादी माँ, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। आपको उस हालत में देखकर हम बहुत डर गए थे। आपको अगर कुछ हो जाता तो हम... हमें कुछ नहीं होता दादी माँ, कुछ नहीं होता। दादी माँ, याद है बचपन में एक बार मैं होमवर्क कर रहा था, तब मुझे करंट लगा था। मैं कितना घबरा गया था, और आपने मुझे कहा था कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए घबराना मत। दादी माँ, मैं आप ही की परवरिश हूं, तो इतना आसानी से डरूंगा नहीं। आपका करण इतना कमजोर नहीं है कि बिजली के झटके से उसे कुछ हो जाए। थोड़ा रिचार्ज हो गया बस। दादी माँ, ये देखिए, टाइम का पता ही नहीं चला और डिनर टाइम हो गया। चलिए एक काम करते हैं, सारा परिवार आज मिलके डिनर करेगा। चलो हम नीचे जाके तैयारी करते हैं, ठीक है? जी दादी माँ। लगता है बुढ़िया की धमकियों से तुम डर गए। माँ, ये डरना ही तो है जो रॉकी ने जिंदगी में कभी सीखा नहीं। वो क्या कहावत थी जो तुम मुझे बचपन में सुनाती थी? हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। भूल गई? अरे पर इस वक्त बुढ़िया के सामने कुछ भी करना मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। कुछ नहीं है ऐसा, खतरा सिर्फ सामने से वार करने पर है माँ। हम अगर पीछे से वार करेंगे ना तो कोई खतरा नहीं है। इसलिए तुम्हारा बेटा आज के बाद सिर्फ और सिर्फ पीछे से वार करेगा, और तब तक करता रहेगा जब तक वो इस काव्या और करण दोनों को अलग ना कर दे। और जब तक वो बुढ़िया इस हवेली में है तब तक खतरा हमारे सर पर मंडराता रहेगा। इसीलिए हमें सबसे पहले इस बुढ़िया को रास्ते से हटाना होगा। सेकंड, क्या कहना चाह रही हो? मतलब क्या तुम्हारा? मतलब अभी समझाती हूँ। व्हाट? क्या है? मतलब जरा सोच। एक सेकंड। माँ, मुझे स्टार्ट से लेकर एंड तक कुछ समझ नहीं आया, क्या कहना चाह रही हूँ? व्हाट? समझाती हूँ। तुम्हारे घड़ी में क्या टाइम हो रहा है? 8 बज रहे हैं। मतलब डिनर का टाइम। तो कुछ समझे?
सब समझ गया, आपका सारा का सारा खेल समझ गया। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज करण मेरे इतने करीब थे, फिर भी मैं उन्हें स्वीकार नहीं कर पा रही हूं। आज भी उनका नया चेहरा मेरी आंखों में पूरी तरह से समा ही नहीं पा रहा। मैं जानती हूँ कि उन्हें ना अपनाने की कोई ठोस वजह नहीं है, पर फिर भी मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है माधी? महादेव, आपको मेरी विनती याद है ना? मैंने आपसे कहा था कि जब भी मैं अपने आंखें बंद करूं और करण को याद करूं तो मेरी आंखों के सामने वो नया चेहरा ही दिखना चाहिए। पर अब तो मुझे अपनी आंखें बंद करने में भी बहुत डर लग रहा है। हे महादेव, अब आप ही मुझे रास्ता दिखाइए प्लीज। सारा प्लान तो समझ गया, मगर इसको किस आइटम में मिलाओगी? मुझे बोतल दो जल्दी से। लो अब। व्हाट? आज बुढ़िया ने अपनी पसंद की करेले की सब्जी बनवाई है। बस इस करेले की सब्जी को जिंदगी भर के लिए यादगार बनाना है। तो बताओ अब। ये हाई पावर स्लीपिंग डोज बुढ़िया खाएगी और जिंदगी भर के लिए सो जाएगी। वेरी गुड, दिलाए? चलो जल्दी देखो कोई आते नहीं पाए। तो भूल गई। वेट 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 रॉकी, उधर चलो। नहीं 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 राइट, ठीक चलो। आइए। करची नहीं रख सकती थी अंदर? रॉकी और चाची जी नहीं है, मैं उन्हें बुला के आता हूँ। आप क्यों बुलाने जाएंगे करण? उन्हें भूख लगेगी तो खुद आ जाएंगे नीचे। आप बैठिए। इस बुढ़िया को तुमने? अरे अरे क्या हो गया, कहाँ जा रही हो माँ? चलें।
बेटा, calm down माँ। लो आ गए। हेलो भैया। मैं आप लोगों को ही बुलाने आ रहा था। आज सब लोग मिलके खाना खाएंगे। आइए जाइए। नहीं भैया, चले आप। ठीक है। काव्या, पानी पास करना प्लीज। थैंक यू। दादी माँ, ये कौन सी सब्जी खा रहे हो? ये करेले की सब्जी है, हमने अपने लिए बनवाई है, सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। वो पास करना प्लीज। मैं कपड़ा लेकर आती हूँ। अरे नहीं, अभी तुम खाना खा लो, ये बाद में करवा लेंगे। काव्या, करण के लिए दूसरी थाली लगा दो। दादी माँ, उसकी कोई जरूरत नहीं है, आज मैं आपके हाथ से खाना खाऊं। अरे पर करेला तो दादी के लिए था ना। क्या फर्क पड़ता है, दादी पोते में से दोनों ने पड़ गए, हो सकता है इसे भी खिला दो। आओ फिर हमारे पास बैठ जाओ। जी। मजा आ गया दादी माँ, एकदम बचपन की याद आ गई। याद है बचपन में आप मेरे पीछे मुझे खिलाने के लिए दौड़ा करते थे? याद है। और आप हमारी बात कभी नहीं मानते थे, डांट खाकर ही सुनते थे। दादी माँ, वैसे करेले की सब्जी बहुत टेस्टी है, खिलाते हैं? अच्छी बात है, खिलाते हैं। खिलाओ और खिलाओ। खाओ खाओ। दादी, वो चावल के साथ खाऊंगा।
को मिल। करण ठीक है बताया सर। करण करण क्या हुआ, आप ठीक है ना? हाँ बस शायद तुम्हें चक्कर आ गया। लगता है सुबह के बिजली के झटके का असर अभी तक गया नहीं है। आप हमें ठीक नहीं लग रहे हैं, आपको अभी आराम की जरूरत है। रॉकी तुम करण को उसके कमरे में छोड़ा? माय नॉट चलिए। नहीं नहीं काव्या बेटा तुम करण को कमरे में लेकर जाओ। जी जी दादी। हम इसके लिए जूस कमरे में ही भिजवाते हैं। हाँ, आइए आराम से। गया है वेट करो गुड न्यूज का।
आपको अभी आपने क्या किया याद ना रहे। कल रात को गलती जो मुझसे हुई है उसके बाद मैं तुमसे तो क्या खुद से भी नजरें नहीं मिला पा रहा हूँ, और मैं तब तक लौट के नहीं आऊंगा जब तक तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर लेते। वो जो जा रहा है वो कोई और नहीं तुम्हारा ही करण है काव्या। क्योंकि तुम ही हो मेरे करण। काव्या और करण के इस खूबसूरत प्यार को महसूस कीजिए और अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।